बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। क्या आप लड़कियों, आप लोग की शादी होने वाली है और आप जो है वो ब्राइड टू बी हैं और आपकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और आपकी स्किन के ऊपर कोई ग्लो नहीं, स्किन ब्राइट नहीं है, स्किन डिहाइड्रेटेड है, स्किन फ्रेश नहीं लगती, ग्लोई नहीं लगती और सबसे बड़ी बात कि स्किन जो है वो ब्राइट नहीं लगती। आज जो है मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ, जैसे इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन फ्रेश भी लगेगी और इस उपचार के रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन जो है ना यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अभी जो है टाइम होता है कि हमारी जो ब्राइडल सर्विस होती है उसके फेशियल में भी अगर आपकी टाइम है और अभी आपके स्किन के ऊपर कोई भी ग्लो नहीं है और आप परेशान हैं कि भाई क्या करना है, कि किस तरीके से हम अपने फेस के ऊपर जो है वो ग्लो अचीव करें, तो ये वाला ऑप्शन जो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने जो है वो इसको यूज़ करना है और इसके यूज़ से ना आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपकी सारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, स्किन ब्राइट, स्किन ग्लोइंग, सब जो है वो इसमें कवर हो जाएगी और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना जो इतने अमेजिंग है कि आपको मज़ा ही आने वाला है। तो देरी किस बात की है, चलिए अपने उपकरण को जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं और आपने जो है वो वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना है कि हमने किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है और किस तरीके से जो है वो इसको रिमूव करना है, कितनी देर अप्लाई करना है और इसकी सही जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो क्या है। तो चलिए अपना उपकरण स्टार्ट करते हैं। उपकरण रेडी करने के लिए जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा ना वो है हमारा बेसन। बेसन के जो है वो आपने 2 स्पून ले लेना है और उसके बाद जो है वो आपने 2 स्पून ही रेड लेंटल पाउडर लेना है। अगर किसी को नहीं पता कि रेड लेंटल पाउडर क्या चीज़ है तो मैं बताऊं, जो हमारी लाल वाली दाल होती है आपने उसको जो है वो पाउडर बना लेना है। उसके बाद जो है वो हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर के भी जो है यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं। उसके बाद जो है वो आपने ऐड करना है यहाँ पे 1 चम्मच ड्राई मिल्क, ठीक है, भर के 1 चम्मच जो है वो आपने ड्राई मिल्क लेना है। उसके बाद जो है वो आपने हाफ जो है वो आपने हल्दी ऐड करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिए है मुल्तानी मिट्टी का आपने पाउडर ऐड करना है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो सिर्फ आपने 1 चम्मच लेनी है और इसके अंदर ऐड करनी है। पाउडर है तो पाउडर आपने जो है वो ऐड कर लेना है। बेहतर यही है कि आपके पास जो है वो पाउडर होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे जो है वो वेट हुई हुई थी तो मैं इसको जो है वो बाद में ऐड करूँगी। आपने जो है वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका जो है वो आपने एक पाउडर बना के इस तरीके से स्टोर करके रख लेना है। और आपने जो है वो इसको, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको स्टोर करके रख लो और जब भी आपको अप्लाई करना हो आपने निकाला, बनाया और अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वेट मुल्तानी मिट्टी थी, मैंने जो है वो थोड़ी सी डाली, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी बट मैंने इसको फिर कम कर दिया था। आपने मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। उसके बाद जो है आपने जो मिक्सर बनाया था, हमने पाउडर मिक्स किया था, वो 1 चम्मच मैंने भर के 2 चम्मच जो है वो ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है वो हाथों पे अपने फेस पे अप्लाई करना था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सिंपली जो है वो रोज़ वाटर के साथ हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आपकी जो है वो सुपर ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो रॉ मिल्क ऐड करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद हमने मिक्स कर लेना है और इस तरीके से जो है वो हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। हल्दी आपने कम ही रखनी है, हल्दी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, उससे फिर आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है और उपटन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मुंह जो है ना वो पीला कर लें, ठीक है। एप्लीकेशन आपने ऐसे करनी है कि आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और आप जो है वो इस उपटन को अपने, उपटन तो ऑब्वियसली हम अपने हाथों पे लगाते हैं, पैरों पे लगाते हैं, नेक पे लगाएं आप अपने, ठीक है। इसको जो है वो आपने अप्लाई करना है। अच्छा, ये उपटन जो है ना आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो पिगमेंटेशन हो रही है या ब्लेमिशेस या डार्क स्पॉट्स के निशान है, ये सबको बहुत अच्छे से कवर करेगी और इसके डे बाय डे रिजल्ट्स जो है ना आपकी जो पिगमेंटेशन है वो भी लाइटन अप होगी, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी लाइटन अप होंगे, आपकी स्किन जो है वो ब्राइट होगी, आपकी स्किन जो है वो डे बाय डे जो है वो ग्लोई होती जाएगी। आपने इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है और इसे लगा के जो है ना आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेक पे भी लगाया, मैंने अपने हाथों पे भी लगाया, पाँव पे भी लगाया। आपने इसको अप्लाई करके थोड़ा सा जो है वो
छोड़ देना है। इसके बाद जो है ना हाथों पे लगाया मैंने इसको, और ये वाला जो उपटन है ना वो 100% जो है ना, ज़ाहिर है हमने इसके अंदर सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और ये बाज़ार वाले उपटन से बिना कहीं ज़्यादा इसके जो है वो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हाथों पे लगाने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, पहले थोड़ी देर छोड़ देना है, उसके बाद जो है वो आपने पानी लेना है, ठीक है, रोज़ वाटर लें या पानी ले लें आपने, फिर हल्के हाथों के साथ जो है ना वो मसाज करना है इसका, हल्के हाथों के साथ जो है ना वो आपने इसका मसाज करना है, और फिर मसाज करने के बाद जो है ना फिर आपने इसको थोड़ा सा जो है वो ड्राई होने देना है। यहाँ पे जो है वो मैंने इसको अप्लाई किया और फिर इसको जो है ना वो ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, और फिर उसके बाद हल्के हाथों के साथ मैंने पानी ले लेके जो है ना इस तरीके से मसाज किया, और आपके जो जो ब्लैक एरिया है, नकल्स ब्लैक हैं आपकी, ठीक है, जो जो ब्लैक है तो आपने उसको अच्छे से जो है ना उसका मसाज करना है ताकि वो आपकी जो है ब्राइटन अप हो। उसके बाद जो है ना अच्छा इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं कि आपको जो है ना वन टाइम में इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आप ना दूसरी टाइम इसको यूज़ करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि इसको हमने बना के रख लिया है, जब भी जो है हम इसको ईजिली निकाल के और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है फेस के ऊपर भी जो है वो मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया, हल्का सा वेट किया, और हल्के हाथों के साथ जो है ना आपने इसका मसाज करना है फेस के ऊपर इस तरीके से। इस उपटन को जो है वो आप अपने डेली यूज़ में भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ब्राइड टू बी हैं तो ही आपने इसको यूज़ करना है, अगर आपका जो है वो स्पेशल इवेंट है आप उसमें इसको यूज़ करो, और जो है अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो। मसाज करने के बाद मैंने 5 मिनट्स इसको छोड़ा और ये इस तरह से जो है वो ड्राई हो गया, तो अभी आप मेरी स्किन देखें कि स्किन कितनी अच्छी और शाइनी लग रही है। अभी जो है वो मैं फेस को जो है वो वॉश करके आती हूँ, और बग़ैर फेस वॉश किए स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरी स्माइल करने पे इतना ज़्यादा कोई ग्लो आ रहा है मेरी स्किन में, और ये ग्लो जो है ना वो मेरी स्किन के अंदर से आ रहा है, और मेरी स्किन इस वक्त जो है ना वो सुपर फ्रेश ब्राइट ग्लोइंग सब लग रही है। कमाल का ऑप्शन है, आप इसको लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप दोबारा जो है वो खुद ही इसको ट्राई करेंगे, और अगर आप जो है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं ना, बहुत के मतलब शादी तक हमारी स्किन जो लाइक कोरियन जैसी हो जाए, तो आप जो है वो इस उपटन को डेली यूज़ करें। यकीन करें आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको जो है ना अपनी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी लगेगी। मैंने स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, हत्ता कि मैंने जो है वो स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया हुआ, मुझे भी मॉइस्चराइज़र की भी नीड नहीं है, मेरी स्किन इतनी जो है वो हाइड्रेटेड प्लम्पी और जो है वो फ्रेश लग रही है, और ग्लो तो आपने देखा है कितना ज़्यादा है मेरी स्किन के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरा जो है ये वाला उपटन अच्छा लगे, इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे, तो कमेंट्स में आके जो है वो लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।